Hello students, welcome to class 8 and today we are doing the chapter number 2 of the history book. So the chapter number 2 is British power in India. In the previous video we are having discussed about the importance of dates in our history. So today's topic is British power in India. British power jo hai India mein, उसका क्या रोल रहा है, या ब्रिटिश पावर जो है इंडिया में वो किस तरीके से पावरफुल बनी, क्या ऐसा हुआ, तो उसके कुछ सब टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा, देखिए इसमें जो कंटेंट आपको गिवन है वो कंटेंट एक बार हम उसका देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कंटेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट है मर्सेंटाइलिज्म. मर्सेंटाइलिज्म से मतलब जो है हमारा वो है ट्रेडर्स, और जो भी कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले जो भी ट्रेडर्स हैं उनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर ट्रेड वॉर्स हुए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई ट्रेड इन, उसने बंगाल में ट्रेड किया. बैटल ऑफ प्लासी हुआ, देन बैटल ऑफ बक्सर हुआ. बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, देन बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में. ड्यूअल गवर्नमेंट हो गई, फिर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड, फिर ब्रिटिश जो थे वो आउटसाइड से यहाँ पर आने लगे. पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन की पॉलिसी, देन मैसूर वॉर हुए, फिर मराठास के साथ हमारे वॉर हुए, फिर एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस, देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट हुआ, देन अबॉलिशन ऑफ पेंशन और अबॉलिशन टाइटल्स, इन सभी का अबॉलिशन हुआ. नेक्स्ट फिर कंपनी आर्मी आ गई. तो ये जितने भी कंटेंट्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं इसमें, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हम पढ़ना है, पढ़ने को हमें मिलेगा. सो देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सो स्टार्ट द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट दिस. द चैप्टर इज़ अबाउट हाउ अ ब्रिटिश कंपनी केम टू इंडिया. ये जो चैप्टर है हमारा ये है कि एक ब्रिटिश कंपनी किस तरीके से इंडिया आई फॉर ट्रेड पर्पजेज. ट्रेड पर्पजेज के लिए किस तरीके से जो ब्रिटिश कंपनी है वो इंडिया आई. लेटर टू प्रोटेक्ट एंड ग्रो इट्स बिजनेस इंटरेस्ट. उसके बाद में ये किस तरीके से इसने हमारे जो बिजनेस, जो खुद के बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया और ग्रो किया. हाउ इट ग्रेजुअली एक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया. और किस तरीके से इसने जो ग्रेजुअली एक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया वो किस तरीके से इसने एक्वायर किया. मींस जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने किस तरीके से, यानी कौन से मेथड्स के थ्रू इन्होंने इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सब पर किस तरीके से अपना कंट्रोल ऑक्यूपाई किया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने प्रोटेक्शन अपना ले लिया. अल्टीमेटली इट बिकेम अ कॉलोनियल रूलर फॉर अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया. अल्टीमेटली और अल्टीमेटली ये जो कॉलोनियल रूलर था फॉर अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया. सो अल्टीमेटली इट बिकम अ कॉलोनियल रूलर फॉर अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया. तो इस तरीके से जो ब्रिटेन है वो एक कॉलोनियल रूलर बन गया फॉर अ वास्ट कंट्री, एक बहुत ही बड़ी कंट्री का, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही एक वास्ट यानी विशाल देश हम कह सकते हैं इसको, लाइक इंडिया, इंडिया की जैसे. तो जो ब्रिटेन है वो धीरे धीरे क्या करने लगा, सारे काफ़ी सारे जो कॉलोनीज इसने बना ली. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन 1453 द तुर्क्स कैप्चर द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स. मिडिवल पीरियड में यानी 1453 में तुर्क्स ने ओवरलैंड यानी इसकी लैंड को कैप्चर कर लिया. एंड ट्रेड रूट्स फ्रॉम यूरोप टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और जो ट्रेड रूट्स थे यूरोप से इंडियन कॉन्टिनेंट्स के तरफ इसने स्टार्ट कर दिया, यानी इसने जो अपना ट्रेड लगाया, जो ट्रेड एंड कॉमर्स इसने स्टार्ट किया वो इसने किया कहाँ से, जो यूरोपियन जो ट्रेड रूट से, यूरोप से, और इसने स्टार्ट कर दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए. थस द ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट वॉज डिस्ट्रप्टेड. इसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट का जो ट्रेड है वो क्या हो गया, डिस्ट्रप्टेड मीन्स थोड़ा डिस्टर्ब हो गया फॉर लॉन्ग ईस्ट, क्योंकि जहाँ भी ईस्ट और वेस्ट में वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे थे और बीच में जो ब्रिटेन है उसका आना हुआ, और ब्रिटेन जो है वो क्या हुआ,
उस उन सभी के ट्रेड एंड कॉमर्स को इन्फ्लुएंस करने लगा या उनमें इंटरफेरेंस करने लगा, तो इससे ईस्ट और वेस्ट का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। फॉर लॉन्ग इंडियाज स्पाइसेस सिल्क और बहुत ज़्यादा समय तक सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा वो पड़ा इंडिया के स्पाइसेस पर, सिल्क पर, टेक्सटाइल पर एंड अदर आइटम्स हैड बीन इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। जो अदर आइटम्स थे जिनकी ग्रेट डिमांड थी यूरोप में, इन सभी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा इस चीज़ का। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फाइंड न्यू रूट्स टू इंडिया, और इंडिया के न्यू रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, द यूरोपियंस देन डिस्कवर्ड न्यू सी रूट्स टू द ईस्ट। तो यूरोपियन ने डिसाइड किया कि अब सारी की सारी जो इंडियन गुड्स हैं उन्हें इंडिया से लेकर आना है और उनके लिए फाइन रूट्स, यानी ऐसे रूट्स जहाँ से इजीली हमें क्या मिल जाए, ये जो जितने भी सामान हैं ये सारा सामान हमें वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाए, तो ऐसे रूट्स को हमें ढूंढना होगा और इन रूट्स से ही, इन्हीं रूट्स से हमें क्या लाना होगा, इस सारे जो भी आपका जो गुड्स हैं इन सभी को हमें इस रूट से लाना होगा। यूरोपियन देन डिस्कवर न्यू सी रूट्स टू द ईस्ट, फिर यूरोपियन ने ईस्ट की साइड नए जो सी रूट्स हैं उन्हें डिस्कवर किया इन 1498 और 1948, अंडरलाइन दिस इम्पॉर्टेंट लाइन। सो 1498 में वास्को दी गामा ऑफ पुर्तगाल सेल्ड अराउंड द केप ऑफ गुड होप। वास्को दी गामा जो था पुर्तगाल का सेल, उसने वो नाविक बनकर आया केप ऑफ गुड होप के चारों तरफ एंड लैंडेड एट कैलीकट, और फिर वो यानी वो अननोन था इस एरिया से और लैंडेड एट कैलीकट, यानी कैलीकट कलकत्ता का जो कोस्ट था, मालाबार कोस्ट साउथ इंडिया में, वहाँ पर आके उसके चारों तरफ, पहले उसने केप ऑफ गुड होप में उसके चारों तरफ राउंड लगाए, फिर उसके बाद वो उतरा जब वो मालाबार कोस्ट साउथ इंडिया में, जो मालाबार कोस्ट है केरला में, वहाँ पर आके वो उतरा। तो वास्को डी गामा ने इस तरीके से नए सी रूट की खोज कर ली, एक डिस्कवरी कर ली। पुर्तगाल्स प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड अट्रैक्टेड अदर्स टू ओवरसीज ट्रेड विद द ईस्ट। पुर्तगाल का प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड जो था उसने अट्रैक्ट किया दूसरों को भी टू ओवरसीज ट्रेड विद द ईस्ट। ट्रेड जो थे उनके ओवरसीज विद द ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समुद्रों के माध्यम से क्या करना, ट्रेड एंड कॉमर्स करना। तो ओशियंस और सीज के थ्रू प्रॉफिटेबल, यानी पुर्तगाल का जो प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड था वो उसे अब जो ईस्ट की तरफ है वो अट्रैक्ट करने लगा। द पुर्तगीज टुक ओवर दीव, इन पुर्तगीज ने 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया एंड गोवा पर 1510 में कर लिया। विच वर देन अ स्मॉल पोर्ट टाउन, जो कि उस समय कुछ छोटे छोटे ही पोर्ट टाउन थे। वेरी सून दे कैप्चर्ड, और बहुत जल्दी उन्होंने फिर कैलीकट को, जो कि कैलीकट पर भी कब्जा कर लिया। ऑल्सो गेंड कंट्रोल ऑफ हुगली एंड चिटागोंग इन द ईस्ट, और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया क्योंकि उन्हें वहाँ पर किसका कंट्रोल ऑफ हुगली, हुगली का और चिटागोंग ईस्ट में, चिटागोंग और हुगली का भी क्या मिल गया, कंट्रोल मिल गया। तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स में। सो देखिए, पुर्तगाल का जो प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड था उसको अट्रैक्ट किया, उसने अट्रैक्ट किया अदर्स टू, दूसरे लोगों को ओवरसीज ट्रेड करने के लिए ईस्ट के साथ। तो इसी वजह से पुर्तगीज ने तो क्या किया, दीव पर अधिकार कर लिया और गोवा पर अधिकार कर लिया, दमन दीव जो आज के टाइम में न्यू टेरिटरीज हैं हमारी, इंडियन टेरिटरीज, सो यूनियन टेरिटरीज पर अधिकार कर लिया। एंड विच वर देन अ स्मॉल पोर्ट टाउन, जो कि बहुत छोटे छोटे थे, फिर उसके बाद उन्होंने कैलीकट पर भी कर लिया, जिससे हुगली और चिटगांव जो है वो दोनों ही पोर्ट उनके अंडर में आ गए। दे कुड डू दिस ड्यू टू दियर सुपीरियर आर्म्ड शिप एंड नेविगेशनल स्किल। उन्होंने ये जो किया वो उन्होंने किया किस हेल्प से, किस कारण से वो कर पाए, क्योंकि उनकी सुपीरियर आर्म्ड शिप्स थी, यानी कि उनके जो जहाज़ थे वो पूरे तरीके से आर्म्ड थे, यानी कि उसके अंदर पूरे तरीके से जो सेनाएं वगैरह हैं वो बैठी हुई थी। एंड नेविगेशनल स्किल्स, यानी किस दिशा में जाना है, ये सारे जो नेविगेशंस हैं, ऐसी सारी जो कह सकते हैं हम कि ये सब फैसिलिटीज जो थी वो उनके पास थी। डिसिप्लिनड सोल्जर्स, उनके जो सोल्जर्स थे वो बहुत डिसिप्लिनड थे। एंड एबल मिनिस्टर्स, और जो मिनिस्टर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, यानी उस समय पॉलिसीज बनाने वाले उनके जो पुर्तगीज़ के, वो बहुत ही क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे।
दे वर द फर्स्ट टू कंट्रोल इंडियन ओशियन सी रूट्स बाय द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी। वो फर्स्ट थे कंट्रोल करने वाले इंडियन ओशियन पर सी रूट्स के ज़रिए, यानी इंडियन ओशियन सी रूट्स पर कंट्रोल करने वाले वो फर्स्ट पर्सन थे बाय द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के मिडिल में पोर्तुगीज़ ही थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल किया। देखिए, लास्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन आया था, हु कंट्रोल फर्स्ट एज द ट्रेडर्स, तो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो आपका ये इसीलिए मैंने कहा था, तो पोर्तुगीज़ हमने उसमें आंसर पहले ही लिख दिया था। अब हम बात कर रहे हैं देखिए इस मैप की। ये जो मैप है 17th सेंचुरी में जो मैप थे उस समय का ये मैप है। देखिए, कश्मीर यहाँ पर, पेशावर, जो कि पेशावर जो है वो पाकिस्तान में है, मुल्तान, लाहौर, अब कश्मीर, देन ये है आपका मुगल्स का एरिया, ये राजपूत का एरिया, ये रोहेलखंड का, जाट, सिंधिया, होलकर, मराठास, गायकवाड़, गुजरात में पेशवा, महाराष्ट्र में निज़ाम्स टेरिटरी, आंध्र प्रदेश में ये सारे, मैसूर, और ये कर्नाटक आपका ये जो रीज़न है ये पूरा कर्नाटक रीज़न, ये नॉर्थ सरकार जो रीज़न है, उड़ीसा, ये कंप्लीट आपका रीज़न है। इस तरीके से जो भी आपके ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सब पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया था 17th सेंचुरी में, जबकि बहुत कम एरिया है। देखिए, 17th सेंचुरी में बंगाल था और एक नॉर्थ सरकार था। फ्रेंच ट्रेडिंग जो थी वो स्टार वाली हैं, फ्रेंच ट्रेडिंग में तो बस ये पौंडीचेरी और करिकल है, कराइकल, ये हो गया। नेक्स्ट है साइट्स ऑफ वॉर, वॉर की जो साइट्स हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें वॉर की साइट सिर्फ बंगाल के पास ही आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि एरिया जो था 17th सेंचुरी में वो हमारा बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई, ब्रिटेन ने उसको नहीं किया हुआ था। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 17th सेंचुरी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्सेंटाइलिज्म, जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था, इससे पहले हम रोल प्ले कर रहे थे, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मर्सेंटाइलिज्म। सो मर्सेंटाइलिज्म देखिए क्या होता है, इट मीन्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, इसका मतलब होता है एक बिजनेस एंटरप्राइजेस मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, वो प्रॉफिट अर्न करती है प्राइमरली थ्रू ट्रेड, ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइसेस, गुड्स को बहुत ही सस्ते दामों में परचेज करना और फिर उन्हें बहुत ही महंगे यानी ऊँचे दामों में सेल करना। तो इट मीन्स इसका मतलब था ये एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है। मर्सेंटाइल का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड होता है, यानी कि ट्रेड करना किन्हीं भी गुड्स का, सर्विसेज का, यही होता है मर्सेंटाइलिज्म। सो इट मीन्स द बिजनेस एंटरप्राइजेस मेक प्रॉफिट एंड प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइसेस। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो थी, मर्सेंटाइल यानी कि कहीं से भी जो रॉ मटेरियल वगैरह है उनको बहुत ही सस्ते दामों में परचेज कर लेना, उसके बाद जब उन्हें बेचने की बारी है रेडीमेड, उनसे प्रोडक्शन करके और उन्हें बहुत ज़्यादा मुँह मांगे दामों में सेल करना। तो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज, उन दिनों में मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो थी मेड हाई प्रॉफिट्स प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन, वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स बना रही थी एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन, उनमें कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं था, एंड द कॉम्पिटिशन कुड बी फ्रॉम द कंपनीज आइदर फ्रॉम आउटसाइड कॉम्पिटिशन, यानी कि अपने ही इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट जो इंडियन कंपनीज थी वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उनसे आपस में इंडियंस जो कंपनीज थी उनका कोई भी जो कॉम्पिटिशन है वो नहीं हुआ करता था। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज का जो कॉम्पिटिशन था कंपनीज का वो था कि जो भी इंडिया से बाहर से जो आ रही हैं उनका और इनसाइड द, यानी कि इंडिया से बाहर यानी फॉरेन जो कंपनीज थी उनसे हमारा कंपटीशन हुआ करता था। इन क्वेस्ट ऑफ मर्सेंटाइलिज्म, मर्सेंटाइलिज्म का अगर हम क्वेश्चन देखें, द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया, पोर्तुगीज ही थे जो सबसे पहले इंडिया पहुँचे, दे रीच्ड इंडिया फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ वास्को डी गामा, और ये जो इंडिया कब पहुँचे, क्योंकि अभी हमने जो लास्ट इसमें बताया था देखिए कि 1498 में वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का वो कालीकट मलाबार कोस्ट पे आ गया, तो इस तरीके से इंडिया में भी इसको बहुत जल्दी जो है इस रास्ते को ढूंढ निकालना बहुत ही ज़्यादा देर का नहीं था। तो पोर्तुगीज जो थे वो सबसे पहले पहुँचे थे, फिर वो इंडिया, देर इज इंडिया, इंडिया वो पहुँचे फॉलोइंग द फुट स्टेप ऑफ वास्को डी गामा,
फिर ये लोग जब वास्को डी गामा के पुर्तगीज कैसे पहुंचे, वास्को डी गामा जैसे जैसे गया था उसके पद चिन्हों को यानी कि उसके फुट स्टेप्स को कंप्लीट कह सकते हैं कि एक अपना फॉलोअर मान करके उसने फॉलो किया उन्होंने वास्को डी गामा के फुट स्टेप्स को। सो इस तरीके से ये मर्सेंटाइलिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना रॉ मटेरियल या रेडीमेड जो गुड्स हैं उनको प्रोवाइड करवाना या उनको सेल करना। सो ये था मर्सेंटाइलिज्म। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।